अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद इरा। टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने रिव्यू पे। आज हम रिव्यू करेंगे पॉन्ड्स जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अच्छा, ये मॉइस्चराइज़र जो है वो इसी साल लॉन्च हुआ है और इसकी हाइप इतनी क्रिएट हुई है। ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है जो समर्स के लिए तो बेस्ट रहता है, क्योंकि समर्स में हमें स्वेटिंग होती है और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पर। इसकी एक्सपायरी और इंग्रीडियंट्स वगैरह इसकी बैक साइड पर मैंशन है और प्राइस भी इसकी बैक साइड पर दी हुई है। इसकी प्राइस जो है वो राउंड अबाउट 600 to 700 के दरमियान में आपको मिल जाता है। इसी रेंज में आपको ये मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा, जो कि रीज़नेबल है, काफ़ी रीज़नेबल है और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है उसके लिहाज से तो बहुत बेस्ट है। अच्छा, पॉन्ड्स कंपनी के दो तरह के मॉइस्चराइज़र आते हैं, एक ये जेल बेस्ड जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ, और साथ में एक क्रीम बेस आता है। जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है वो न्यूली लॉन्च इनकी प्रोडक्ट है, और जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है वो काफ़ी पुराना है। अच्छा, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको विंटर्स में रिकमेंड करूँगी, क्योंकि विंटर्स में हमारी जो स्किन है वो ड्राई हुई होती है और उसके लिए आपको ऑयली मॉइस्चराइज़र्स या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो वो बेस्ट रहते हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आपने न्यूट्रोजिना जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र के बारे में सुना होगा और उसकी प्राइस जो है वो राउंड अबाउट 3000 है, और वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। पर अगर हम उसको और इसको कंपेयर करें तो मुझे इसकी और उसकी फॉर्मूलेशन तकरीबन बिल्कुल सेम लगती है। ये पॉन्ड्स का जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है ये उसका ड्यूप लगता है, और इसकी प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, आप इसका फार्मूला चेक करें, कितना लाइट वेट इसका फार्मूला है, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। चुभने वाली स्मेल नहीं है, वो तेज़ स्मेल नहीं है, लाइट सी इसकी स्मेल है, और ये मुंह पे लग के ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आपने पानी नहीं लगा लिया होता। ठीक है, बिल्कुल लाइट वेट लगता है और काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगता है। अच्छा, ये आपको vegas.pk से मिल जाएगा, nahid.pk से मिल जाएगा, अल्फ़ते से मिल जाएगा। अक्सर ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक भी रहती है, खैर आपको इन तीनों में से किसी एक वेबसाइट पे तो मिल जाएगा, और अगर आप खुद जाके लेना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे मॉल से ले सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमें मॉइस्चराइज़र्स क्यों यूज़ करने चाहिए। मॉइस्चराइज़र बेसिकली अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन को ग्लोई करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज रखता है। अच्छा, डे रूटीन में आपको इसको इस तरह इस्तेमाल करना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने मेकअप करना है, तो आपने पहले मॉइस्चराइज कर लेनी है अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है मेकअप से पहले। ठीक है, तो आपने मॉइस्चराइज करनी है ताकि आपकी जो बेस है वो ग्लोई दिखे और वो स्मूथली अप्लाई हो जाए। आप अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो आपकी बेस जो है वो स्मूथली अप्लाई हो जाएगी। और रात में आप अगर सीरम्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपने मॉइस्चराइज़र मस्ट इस्तेमाल करना है। अगर आपको सीरम जो है वो 10% फ़र्क दे रहा है तो आपको इस तरह 20% फ़र्क आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अगली वीडियोज़ मिलती रहें।